बाल्को ने अपने 88 कर्मचारियों को माह का श्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार से सम्मानित किया। कर्मचारियों को उनके परिवारजनों की उपस्थिति में 5,000 रुपये नकद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। समारोह बाल्को संयंत्र 1 की एल्यूमिना कैंटीन में आयोजित था। बाल्को ने अपने उन कर्मचारियों को माह का श्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार दिए जिन्होंने माह जनवरी से अप्रैल 2009 के दौरान अपने उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन से संयंत्र का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में कामयाबी पाई। कार्यक्रम में बाल्को के मुख्य प्रचालन अधिकारी शिवभू प्रसाद मिश्रा ने कहा कि मानवीय क्षमता की कोई सीमा नहीं है। मानव अपने परिश्रम से निरंतर बुलंदियों को छूने का प्रयास करता है। यही वजह है कि कोई भी रिकॉर्ड बहुत अधिक समय तक टिका नहीं रहता। हमारे लिए काफी काम किए हैं और वो जो काम किए हैं अपने तो अपना रोज हमारा जो काम है वो तो हम करते रहते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा हटके काम किए हैं और वो जो हटके काम किए हैं उसके बारे में हम थोड़ा पता लगाएंगे। जब हम अवार्ड दे रहे हैं वो टाइम हम लोग पता लगाएंगे और जब हम लोग देखते हैं कि हमारा चेयरमैन जो हमारे कंपनी का वो भी जब ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में आए थे वो भी एक नॉर्मल ट्रेडर टाइप का काम करते थे। कुछ लोग तो होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं ये रास्ता है तो हम ये रास्ता नहीं चलेंगे, इससे आगे और नहीं जाना है। और कुछ लोग हैं वो सोचते हैं कि नहीं हम थोड़ा ठीक है ये रास्ते में चलेंगे लेकिन बीच में थोड़ा हट के भी देखते हैं और क्या है। लेकिन हमारा जो चेयरमैन वो टाइप का लोग उनका सोचना कंप्लीटली दूसरा टाइप का है कि चलो देखते हैं क्या पॉसिबल है क्या संभव है वो देखते हैं उसका लिमिट तक जाएंगे। तो उनका कंपनी में जो हम लोग काम कर रहे हैं हम लोगों को भी उसी टाइप का सोच रखना पड़ेगा। मानव संसाधन प्रमुख श्री रंजित लाल ने कहा कि बाल्को कर्मियों की कर्तव्य परायणता ने प्रबंधन को बाल्को के पुराने संयंत्र के स्थान पर अधिक क्षमता के नए संयंत्र की स्थापना की प्रेरणा दी। मानव संसाधन विभाग एक वो कड़ी है जो बेशक यहाँ एल्यूमिनियम बनाती नहीं है मगर आप ऐसे लोगों को प्रेरित कर निपुण कर योग्य बना एल्यूमिनियम बनाने में एक योगदान देती है। हमें इसी बात का बहुत गर्व है। हमारी क्षमता जिस तरह टेक्नोलॉजी है उसी तरह एचआर की क्षमता उसकी भी टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन हम इस तरह कर रहे हैं कि आप ऐसे लोग कर्मठ लोग आप ऐसे लोग जिन्होंने अपना योगदान दिया आज प्लांट वन को इतने सालों तक चलाकर इतने दिनों तक चलाकर क्वालिटी मेंटेन करते हुए इसको उस ऊंचाई तक ले गए इसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के बाद आज इसे हमें रेनोवेट करने के लिए नए प्लांट बनाने के निर्माण के लिए प्रेरित किया। आप ऐसे लोग जो कि यहां हैं आपने एक चैलेंज स्वीकार किया इस प्लांट को 70 के दशक से लेकर के 2008-09 तक की दशक में लाने के लिए उसी बात से प्रेरित होकर आपसे ही उत्पन्न ये विचार आता है कि आप ही के लोगों में वो स्मेल्टर 3 भी दी जाएगी जिस स्मेल्टर 3 का निर्माण जिस स्मेल्टर 3 का परिचालन जिस स्मेल्टर 3 का कार्यवाहन आप अपने हाथों से ही करेंगे। बाल्को संयंत्र 1 प्रमुख श्री नारायण बालकृष्णन ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में प्रतिभा होती है, हमें निरंतर श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने समारोह में कर्मचारियों के साथ परिवारजनों की उपस्थिति पर प्रसन्नता जताई। हम लोग जो नॉर्मल काम करते हैं ये कहा जाता है कि हम सब अपना 2-3% ही दिमाग इस्तेमाल करते हैं, मतलब दिमाग में जो कर दिखाने की हमें क्षमता है उसका हम 1/3 भाग भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ 2-3% यूज करते हैं। तो ये ऐसा एक फंक्शन है जिसमें कुछ लोगों ने आगे बढ़ करके कुछ हट करके कुछ अलग कुछ नए रास्ते बनाए हैं
जिसको हम आज सम्मानित कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज जो सम्मानित होंगे उनमें से कई लोग अपने फैमिली मेंबर्स के आगे सम्मानित होंगे। श्री मिश्रा, श्री लाल, श्री बालकृष्णन, संयंत्र एक के महाप्रबंधक श्री के एन बरनवाल, वाणिज्य महाप्रबंधक श्री अनिल राय, एल्युमिनियम प्रमुख श्री पी के दास और इंटक के महामंत्री श्री वी के शर्मा ने कर्मचारियों को सम्मानित किया। पुरस्कृत कर्मचारियों ने बालको के श्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार योजना की सराहना की। और पहले की तुलना में अभी वर्तमान समय में बालको में काफ़ी सुधार हुए हैं कार्यप्रणाली में, जिसकी वजह से हम लोग को भी प्रोत्साहन मिला और हम लोगों ने कुछ मैंने अपनी तरफ से प्रयास करके कंपनी को जो भी फायदा हम पहुँचा सकते पहुँचाने में अपना योगदान दिया, जिसकी वजह से आज हमको सम्मान मिला है। इसीलिए मैं कंपनी का बहुत शुक्रगुजार सम्मान पाने के लिए और सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने पुरस्कार प्राप्त करने में अपना योग सहयोग किया। मुझे यह पुरस्कार मिला है बहुत अच्छा लग रहा है और बालको मैनेजमेंट जो जनता के लिए पब्लिक के लिए कर्मचारी कर रही है वो उत्साहित हो रहे हैं। आज से नहीं वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है, इसमें बेरोजगारों को रोजगार दे करके, ग्रेजुएट किए हुए बी वालों को रोजगार दे करके और अपने कर्मचारियों को उत्साहित करके छोटी छोटी बात में पुरस्कार दे के उनका हो रहा है, इसके लिए हमको बहुत धन्यवाद देते हैं और ऐसी कंपनी के हैं। ऐसा सबको मिलता रहेगा, उत्साहित करता रहेगा और बच्चे जो है भविष्य में आगे और बढ़ के काम। बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसी हमेशा करते रहेंगे तो वर्कर का मनोबल बढ़ा रहेगा और अच्छा काम करेंगे। यहाँ अच्छा लगी से और पति बढ़िया सम्मानित हुई से तो बहुत अच्छा लगी से भाई।
सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार। जब लेस्टर लाइट आए बहुत बढ़िया, जब से स्टार लाइट आई से बहुत अच्छा सहयोग करा थे, खड़े हो जाते अब बहुत अच्छा लागत है, पहले से जैसे डरत रहे ऊपर से अच्छा है, बहुत ही अच्छा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हमने तो कभी सोचा नहीं था इस प्रकार से मिला करके, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, वेदांता ने हमको इस लायक समझा।